Today we will start new topic, which is role of IMC in marketing process. Okay, this we will start today. So this topic will actually let us understand that how IMC is important throughout marketing, right? So you know, we have already done marketing management, है ना? Marketing management हमने किया है, और marketing में हमने क्या किया था? कि marketing basically deals with identifying the need identify, और वो किससे होता है? Research से. तो need identification से लेकर एक product consumer तक पहुंच जाना, और फिर consumer का उस पर feedback देना, और दोबारा से उसके अंदर कोई changes करना, एक vicious circle है जो चलता रहता है. तो जो throughout marketing है, क्या इसमें IMC का कोई role है या कोई किरदार है कि नहीं, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, okay. So before starting this, let me share the story of Emirates Airlines with you. ठीक है, Emirates Airlines की story से इस discussion को हम थोड़ा सा शुरू करने की कोशिश करते हैं. 1980s की अगर बात करें, Emirates ने अपना शुरू किया काम, और इनके पास बोइंग और एयरबस के प्लेन्स हैं. आज आप जानते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है एमिरेट्स एयरलाइंस, एंड इट इज़ अ लग्जरी यू नो एयरलाइंस. एंड इन फर्दर स्लाइड्स आई विल टेल यू दैट, और यू विल ऑल्सो रियलाइज इफ़ यू वुड गूगल अबाउट इट एंड वुड लाइक टू रीड अबाउट इट, दैट इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड्स इन एविएशन इंडस्ट्री. नॉट ओनली इन वन कंट्री और टू कंट्री, बट अक्रॉस द ग्लोब इट इज़ ट्रीटेड एज अ रिस्पेक्टेड ब्रांड. ठीक है जी. 10 million US डॉलर का लगभग जो है इनके पास कारोबार है. दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन संसार में से कहा जाता है, और मिडल ईस्ट में जो है ये पैसेंजर्स और रिवेन्यूज की टर्म में सबसे जो है बड़ी एयरलाइन है. तो दिस इज़ व्हाट द स्टेटस ऑफ एमिरेट्स इज. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड नेम, एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन मिडल ईस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स और रिवेन्यूज विद 141 प्लेन्स इन इट्स फ्लीट. तो ये इनके बारे में है. ये लोग जो है किस तरह से इतने कम समय में इतना बड़ा ब्रांड बन गए, राइट? नो, वी हैव बीन डिस्कसिंग इन मार्केटिंग ऑल्सो व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ पोजिशनिंग. जब हम पोजिशनिंग की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि एक मार्केटर का ड्रीम है कि उसका जो प्रोडक्ट है, अगर वो आपका क्या बन जाए, एक ब्रांड बन जाए, राइट? तो आज एमिरेट्स एयरलाइंस एक ब्रांड है. तो ये ब्रांड बनने की इसकी जो जर्नी है, वो इसकी कैसे रही है, और किस तरह से ये प्रमोशंस कम्युनिकेशन जो है वो करते रहे हैं, और उसको देखकर हम उसको आईएमसी से जो है रिलेट करने की कोशिश करेंगे. एंड देन वी वुड परहैप्स रियलाइज कि यस, आईएमसी इज़ देयर एट एवरी स्टेज. ठीक है, प्रमोशंस में तो ऑब्वियसली इसका रोल है ही है, लेकिन दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आईएमसी का जो है एक अहम रोल हो सकता है. जो सक्सेस रूट है एमिरेट्स एयरलाइंस का, वो इस तरह से समझा जा सकता है. इन्होंने पोजिशनिंग बहुत बढ़िया करी, सर्विस एक्सेलेंस है इनका, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड, जो है बहुत ही एडवांस इनके पास टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने प्लेन्स के अंदर रखते हैं, सर्विसेज अच्छी देते हैं, लॉन्ग रूट्स पे जो है ना ये नॉन स्टॉप चलते हैं. इनके पास यंग फ्लीट है, 5.9 years इज द एवरेज एज ऑफ द प्लेन्स, सो दे आर इन गुड कंडीशन, सो पीपल वुड लाइक टू फ्लाई विद देम, दे आर स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स. ये कुछ काम इन्होंने किए हैं जिनकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंचे, आप कह सकते हैं. डोमेस्टिक जो बेस है उनके साथ अपने ब्रांड को इन्होंने लिंक किया. फ्लाई एमिरेट्स कीप डिस्कवरिंग, ये आप जानते हैं कि इनकी टैगलाइन है जिसको लेकर ही आपके जो है ना साथ चले हैं, और इनकी फिलॉसफी जो है जिसके ऊपर ये अपने बिजनेस को, जो एक बिग आइडिया जिसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो ये है कि दे वॉन्ट पीपल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देयर ब्रांड एज, एंड दिस यू कैन कॉल दिस एज अ बिग आइडिया. आप इसको इनका बिग आइडिया ही बोल सकते हैं. जैसे कैडबरी क्या कहता है, दे वॉन्ट टू रिप्लेस, ठीक है ना, ट्रेडिशनल स्वीट्स को चॉकलेट से रिप्लेस करना चाहते हैं. सो दे वॉन्ट टू जनरेट दैट ड्राइव, एंड पीपल हैव दैट ड्राइव, बट दे आर नॉट मैनी टाइम्स अवेयर ऑफ इट. दे जस्ट वॉन्ट टू सेंसिटाइज दिस ड्राइव अगेन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू डू इट. अगर आप इनकी बात करें, जो इन्होंने इंडस्ट्री को दिया या जो इंडस्ट्री ने इनसे सीखा, कई ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने आपकी जो है वो करी हैं. दिस इज़ द एड विच एक्चुअली इज़ आस्किंग द पीपल टू लीव योर होम्स एंड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बिकॉज देर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल यू नो आउटसाइड योर होम. ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या वो चीज़ थी और कब था वो लास्ट टाइम जब आपने कुछ पहली बार किया था, एंड दिस इज़ इन लाइन यू नो विद देयर दिस स्ट्रेटजी, पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, कीप डिस्कवरिंग,
राइट, फ्लाई एमिरेट्स कीप डिस्कवरिंग। तो जानो दुनिया को, बाहर की दुनिया को जानो, ये जो है इनका आपका एक क्या रहा है, मोटो रहा है। और इनके कैंपेन्स जो थे कहीं ना कहीं इस थीम के अराउंड जो है वो आपके रहने की कोशिश करिए। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग नाउ इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोजिशनिंग एंड टॉकिंग टू द पीपल, एंड परहैप्स दिस इटसेल्फ डज नॉट क्वालिफाई एमिरेट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस डिस्कशन। अगर ट्रेडिशनली ही ये लोग काम कर रहे होते तो आप यहाँ पर हम इसे डिस्कस ना करते, क्योंकि एड्स और पोजिशनिंग तो हर कोई ही करता है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से थोड़ा सा हटके था, राइट। सो एंड दैट इज समथिंग विच हैज हेल्प्ड इट टू बिकम द ब्रांड विच इज टूडे। सो इफ यू वुड लुक एट देयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, दे हैव बीन होवरिंग अराउंड द वंडर्स ऑफ द नेचर, कि यहाँ भी ये है, वहाँ भी ये है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, डिस्कवर करो, एक्सट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस करो। और जैसे इंडिगो के बारे में हमारे यहाँ कहते हैं कि जब स्लो डाउन चल रहा था तो उन्होंने जो है, अकेला एक लो कॉस्ट कैरियर था भारत में जिन्होंने कंसाइनमेंट ऑर्डर किया था, ऐसे ही इस एयरलाइंस के बारे में कहा जाता है। जब 9/11 हुआ, नाउ दैट वाज अ ब्लॉट एंड स्पेसिफिकली टू एविएशन इंडस्ट्री, पीपल वर एक्चुअली यू नो फियर्ड बाय फ्लाइंग टू सर्टेन डेस्टिनेशंस। दिस वाज द ओनली एयरलाइन विच हैज गिवन द न्यू ऑर्डर्स आफ्टर 9/11, राइट। सो ये इसका जो है एक ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। Now, this is again a short film kind of a thing from Emirates, which is telling you the luxury that it has to offer. ठीक है जी, ये जो आपका वीडियो क्लिप है ये बताएगा कि किस तरह से, किस तरह की सर्विस, किस तरह की लग्जरी जो है ये अपने प्लेन्स के अंदर अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करना एक अलग बात है, लोगों को बताना जो है ना वो दूसरी बात है। बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है, लग्जरी ट्रैवल करना है आपने, तो आप इन एयरलाइंस के अंदर जाकर कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन टू यूट्यूब, यू कैन गो ऑन टू देयर वेबसाइट्स एंड यू कैन डिस्कवर हाउ देयर प्लेन्स लुक लाइक। यू कैन एक्चुअली कम टू नो व्हाट आर द सर्विसेज एंड द एग्जीक्यूटिव्स व्हिच दे आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर्स हु आर फ्लाइंग विद एमिरेट्स, एंड हेंस दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। Right now we have to understand one thing, that if they are a luxury airline, then obviously the kind of money that they would be charging for them, their consumers would also be high. तो इतना पैसा लेने के बाद भी वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और इस एक नीश मार्केट के अंदर कैसे इन्होंने अपनी जो है वो स्पेस बनाई है, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से वो आपका नहीं हो सकता था, राइट। इन्होंने अलग से क्या करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा कि मतलब इफ समवन वुड हैव गिवन दिस आइडिया, नाउ वी ऑलवेज टॉक ऑफ आइडियाज, हम हमेशा आइडियाज की बात करते हैं, एंड वी ऑलवेज टॉक कि दिस शुड वर्क एंड दिस शुड नॉट वर्क, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, हम हमेशा इस तरह की बातें जो हैं वो करते हैं। ये कुछ इनके कमर्शियल्स हैं, इनकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोगों को डिस्कवर करने के लिए बोल रहे हैं। इनका एक कैंपेन है जो हम डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक सो अगर वो आइडिया आप लोगों ने दिया होता या आप लोगों को बताया जाता तो आप कहते नहीं जी ये तो काम ही नहीं कर सकता, दिस इज परहैप्स द वर्स्ट आइडिया दैट एनीवन कैन थिंक ऑफ, बट दे हैव ट्राइड टू डू इट एंड दे हैव सक्सेसफुली डन इट एंड इट हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू देयर ब्रांड वैल्यू, एंड दिस इज दैट कैंपेन दैट वी वर टॉकिंग ऑफ। नाउ लुक एट सम डिफरेंट थिंग्स दैट दे हैव डन, कुछ अलग चीज़ें जो इन्होंने की हैं, जिनमें से एक है नॉन स्टॉप फर्नैंडो कैंपेन। आई Do not know whether you have heard about it or not. मुझे नहीं पता आपने इनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ये एक बड़ा ही अजीब सा कैंपेन था। इस कैंपेन में इन्होंने क्या किया, नाउ दिस इज अ वीडियो विच एक्चुअली इज ऑफ 14 hours and 40 minutes लॉन्ग। इफ आई कैन पॉज दिस यू कैन सी इट हैज बैग्ड 1, 2, 3, 4 and 5 अवार्ड्स बाय द टाइम दैट दिस वीडियो वॉज पोस्टेड, एंड दिस इज अ नॉन स्टॉप वन टेक वीडियो 14 hours and 40 minutes टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील। Now, this Fernando campaign is basically was executed when Middle East से direct flight आपकी Sao Paulo करके एक जगह है ब्राज़ील में, जहाँ पर इन्होंने Emirates वालों ने एक non-stop flight जो है वो शुरू की थी, right? First non-stop flight, and the travelling distance, the air travelling distance from Middle East to Sao Paulo in Brazil was 14 hours and 40 minutes. तो इन्होंने ये कैंपेन किया था। नाउ ही इज अ कस्टमर, ही इज अ ट्रेवलर, हिज नेम इज फर्नैंडो, एंड ही इज द मैन हु इज स्पीकिंग अबाउट साओ पोलो एंड ब्राज़ील एंड द सर्विस ऑफ एमिरेट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू साओ पोलो इन ब्राज़ील कंटिन्यूसली फॉर 14 hours and 40 minutes, एंड दिस आर द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ दोज वीडियोज। एंड इमेजिन अ 14 hour long video without any cut, द कैमरा इज ऑलवेज ऑन टू दिस मैन,
इन्होंने इसको नॉन स्टॉप फर्नांडो कैंपेन का नाम दिया. यू कैन सी द टाइम हेयर, 14 आवर्स हैज गॉन एंड देर आफ्टर यू नो इट हैज कम्प्लीट एंड पीपल आर चेरिशिंग अबाउट इट. नाउ नॉन स्टॉप फर्नांडो डॉट कॉम, दे हैव अगेन क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड दे हैव बैग्ड न्यूमरस अवार्ड्स अराउंड इट. पीपल माइट फाइंड इट क्रेजी, ये पागलपन है, ये पागलपन कई लोग कह सकते हैं. 14 घंटे 40 मिनट एक आदमी लगातार कैमरे पर बोल रहा है, आपकी इस फ्लाइट को जो है प्रमोट कर रहा है, ब्राज़ील के बारे में बता रहा है, पहली नॉन स्टॉप सर्विस है. अगर आप इसके बारे में ज़्यादा, थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ दैट कैंपेन, राइट. यू कैन एक्चुअली सी दिस दैट टाइटल ऑफ दिस कैंपेन वॉज नॉन स्टॉप फर्नांडो, क्लाइंट वॉज एमिरेट्स, दुबई टू साउथ पोल ऑफ लाइट्स, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसने काम किया वो लीन मीन फाइटिंग मशीन थी, लंदन की एक एजेंसी है जिन्होंने ये कैंपेन इनके लिए रन किया. एंड दिस इज द पीपल हु वर बिहाइंड इट, द कॉपी राइटर, डिजाइनर, टेक्निकल पार्टनर, वट एवर. एंड दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ दिस कैंपेन एंड यू कैन रीड अबाउट इट. एमिरेट्स हैज लॉन्च्ड अ न्यू रूट फ्रॉम दुबई टू साओ पोलो. First time any carrier has flown direct from Middle East to South America. A solution was the non-stop flight between Dubai and Sao Paulo take 14 hours and 40 minutes. And the idea was to create a character who could talk non-stop about Sao Paulo and Brazil for 14 hours and 40 minutes. Fernando is our hero and talks non-stop for 14 hours and 14 minutes. No cuts, no cheats, no edits. Watch it all or just type in a specific time code to check it's for real. The ambient advert title "Non Stop Fernando" was done by Lean Mean Agency and it was released in June 2008. So we were talking that they have been untraditional. ये untraditional कहीं न कहीं रहे हैं और यही IMC की बात है. IMC is not talking of only traditional advertising. वो traditional advertising की बात नहीं करता है, right? वो किसकी बात करता है? आपके non-traditional forms of advertising उसकी भी ये लोग जो है बात करते हैं. And apart from non-Fernando campaign, the untraditional stunts in communicating their brand to the people has been follows. They have been big sponsors of sports events. ठीक है ना, ये sports events के sponsors जो हैं रहे हैं और लगातार रहे हैं, करते रहे हैं. अगर आप इनके sponsorship की बात करें तो रोजर कप टेनिस टूर्नामेंट को इन्होंने sponsor किया है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड समर कप को ये करते रहे हैं. आर्सेनल स्टेडियम जो है वो इन्हीं के नाम पर है, राइट. उसका स्टेडियम का नाम ही एमिरेट्स जो है वो बाहर उस स्टेडियम पर लिखा हुआ है. दिस इज व्हाट दे हैव स्पॉन्सर्ड इट. एनुअल हॉर्स रेसिंग इवेंट ऑस्ट्रेलिया को स्पॉन्सर करते हैं. क्रिकेट अंपायर्स, यू कैन फाइंड द जर्सीज ऑफ क्रिकेट अंपायर्स रिटन एमिरेट्स एंड दे आर द सिक्स्थ ऑफिशियल स्पॉन्सर 2006 सॉकर वर्ल्ड कप. एंड दिस इज नॉट द फुल लिस्ट, राइट. एंड दैट इज वाई एमिरेट्स इज कॉल्ड एज ए नंबर वन एयरलाइन स्पॉन्सर ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग इट. And apart from that, they have been pumping in half of the money into advertising and half of the money into sponsorships. And their sponsorships basically, generally, legitimately and massively and majoritily is going into these sports events. ठीक है जी. Now for example, this is the stadium that we were talking of, Emirates Stadium. इन्हीं के नाम से इन्होंने stadium बना दिया. One more very innovative thing that they have done because of their association with sports. Right, people are crazy about sports in certain countries. If you would talk region-wise, the Western countries are crazy about soccer, as our Asian countries are crazy about cricket. ठीक है, तो इस तरह से region, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग USA के अंदर specifically लोग rugby के लिए भी पागल हैं. तो ये जो region-wise जो most cherished sports थे, उनको इन्होंने जो है rope in किया है. Now here are some videos which basically are talking about how they have done it. Now this is a match, soccer match obviously, wherein they are coming, right? And they are coming and if you would have traveled by airline at any point of time, you would know, jab airline shuru hoti hai, tab jo hai, kuch air hostess aati hain aur jo safety instructions aapko dete hain. So safety instructions ka matlab ki itne doors hain airlines mein, in case of aapka air pressure low ho jata hai, to oxygen mask niche aa jayega, safety ke liye kitne paths hain. So this is the innovative thing that they have done. Now before starting of game of soccer, these air hostess of Emirates coming in and it is speaking about the stadium, the way they would do it in an airline. Are you getting the point? And if you would watch this video on YouTube, you can hear the sound of it also. And then the crowd is going crazy about it. What is it happening? जो एक जैसे छक्का लगता है ना, तब शोर मचता है. जब ये ऐसे कर रही हैं 62,000 fans, इतने डोर्स, वो पूरा सेफ्टी के बारे में जो है इनको बताते हैं. देन पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट एंड पीपल हैव लाइक्ड इट.
And these are the people who have done it. This is untraditional form of marketing. This is not the regular form of marketing, right? And then, जैसे हम हमारे यहाँ अलग अलग तरीके हैं, उनके यहाँ स्कार्फ से एंजॉय करते हैं. So, I mean, they have picked up the small, small things and they are letting the people know how to do it. And then you know that they are doing things untraditionally, right? And people are liking it, people are loving it. Now, this is something that they've experimented and it was loved and liked by the people to that extent that they have actually extended it to the other forms of sports also. ये इन्होंने सोकर में करने की कोशिश करी, सोकर में इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने ये टेनिस में भी किया, उसके बाद इन्होंने क्रिकेट के अंदर भी किया. एंड इफ़ यू वुड सी दिस वीडियो दैट अगेन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग इन टू अदर यू नो सेपरेट स्पोर्ट्स इवेंट, एमिरेट्स एयरलाइंस हु अगेन इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस. तो आप एमिरेट्स के बारे में अगर टाइप करेंगे स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल चीज़ें एक गेम के शुरू होने से पहले जो है ये करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि किस तरह से आपने क्या करना है, राइट? दिस वीडियोज मेक सेंस विद ऑडियो. अब ये आप जाकर सुनेंगे तो यू विल फील कि हाँ, इनोवेशन है कहीं ना कहीं, दे हैव डन समथिंग डिफरेंट. एंड इफ यू फील लाइक कि ऐसी चीज़ें बाहर ही कहीं होती हैं, बाहर का इन द सेंस कि हमारे यहाँ नहीं होती, देन आई हैव अ वीडियो फॉर यू दैट इज़ फॉर कोलकाता इडन गार्डन्स. दिस इज फॉर वर्ल्ड कप फाइनल 2020-2016. बिफोर द मैच स्टार्टेड द एमिरेट्स क्रू हैज़ कम इन एंड देन दे हैव अगेन डन द सेम विच दे हैव बीन डूइंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. They know it doesn't make sense in India to do this for soccer. They know it makes a lot of sense to do it in cricket, and that too in a final, and that too in a T20. So people are crazy about it. So they are telling you when chokka lage to kaise enjoy karna hai, chakka lage to kaise enjoy karna hai. Typically this is how they do when you travel in an airline. Ye inke instructions hai jo inhe karne padte hain. And then people relate it, right? And people remember it, people post it onto their Facebooks, people talk about it, right? तो ये जो अनट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ये इन्होंने करी हैं और इन्होंने इनको दूसरों से अलग बनाया है, राइट? जो अनट्रेडिशनलिटी है वो इनके यहाँ रही है. सो दिस इज़ हाउ वी टॉक ऑफ IMC इन ट्रू स्पिरिट. इस तरह से हम IMC को जो है ट्रू स्पिरिट में देखते हैं, क्योंकि IMC का मतलब है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. एक तरीका कम्युनिकेट करने का छोड़कर जितने भी तरीके हो सकते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे करो, तो ये भी एक तरीका है, राइट? लोगों तक पहुंचने का. एंड माइंड यू, यू वुड रियलाइज एंड यू विल चेरिश इट आल्सो कि जो आपके मैचेस हैं, जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं, उनके अंदर जो एडवर्टाइजिंग करी जाती है वो जो है आपके स्टेडियम में जो 60,000 लोग या 100,000 लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं होती है उतनी जितना टेलीविजन के लिए होती है, बिकॉज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग ऑन टेलीविजन. तो वेन दे आर डूइंग दिस, आई मीन यू कैन सी एड्स तो लोग चेंज करते हैं. लोग T20 फाइनल देखने के लिए बैठे हैं, दे माइट नॉट चेंज इट एंड दे विल बी एक्सपोज टू एमिरेट्स मैसेज. एंड दिस इज हाउ दे हैव ट्राई टू डू इट. एंड इफ यू वुड लुक एट हाउ दे हैव सेग्रीगेटेड देयर बजट, द कम्युनिकेशन बजट एंड देयर मार्केटिंग बजट, देन यू वुड रियलाइज दैट दे हैव डन एडवर्टाइजिंग विच इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इट, एवरीवन डज इट. दे हैव डन सेल्स प्रमोशन, एमिरेट्स की जर्सीज आपको मिलेंगी डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगी, और ये भी इन्होंने जो है वो काफ़ी किया है. डायरेक्ट मार्केटिंग इन्होंने की है, डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे आइए, बुक कीजिए, हमारे लोग आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप पहले फ्लाई कर चुके हैं उनसे. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग इट. सो द एलिमेंट्स ऑफ IMC आर वेरी मच इन प्लेस. पर्सनल सेलिंग ऑल्सो दे हैव डन इट, राइट? सो पीपल विल कॉल यू बैक बिकॉज यू हैव ट्रेवल बिफोर एंड देन दे विल बी एक्चुअली ऑफरिंग दिस सर्विस बैक टू यू. Public relations, they have done it like anything, and this is again a Melbourne Cup, the race that stops a nation, ek race jo hai unko sponsor kiya inhone. So this is what they have been actually doing it, and sponsorships we have discussed. Sponsorship ke baare mein to humne inki kitni baatein kar li. To ye inka tarika hai apne paise ko divide karne ka, right? And the list does not end here. Cause related marketing, aapko Aircel wala yaad hai kahani? तो इसी तरह से ये भी कॉज रिलेटेड मार्केटिंग. लेट्स डू समथिंग विच पीपल कैन रिमेंबर, विच पीपल कैन रिकॉल, एंड फॉर दोज मैटर्स इन सम कंट्रीज इट इज़ कंपल्सरी ऑल्सो, राइट? तो ये इस तरह से आपके जो है ना सारे जितने टच पॉइंट्स हो सकते हैं उन सारे टच पॉइंट्स को यूज़ कर ये लोग अपने बारे में बताते रहे हैं, अपने बारे में प्रमोट करते रहे हैं. अदरवाइज ओनली फ्लाइंग
एंड मेकिंग द पीपल ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डज नॉट फेच यू नंबर वन पोजिशन. दिस इज फॉर सिंपल बिकॉज हर फ्लाइट तो ये काम करती है, राइट. आपको अगर ये करना है तो इस तरह के चीज़ें आपके पास तभी आएंगी जब आप इस तरह के काम करोगे. सो एमिरेट्स कैंपेन विन अवार्ड्स एंड इट इज़ नॉट ओनली वन कैंपेन दैट दे वॉन्ट इट. इनिशिएशंस, इनोवेशंस, अनट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये लोग जो ये करते रहे हैं. और इस वजह से 1980 से लेकर 2005 या 6 में इनको कहा जाने लगा था कि ये जो है ना वर्ल्ड की नंबर दो एयरलाइन है. और अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये नंबर वन है. तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो है एक लग्जरी नीश सेगमेंट के अंदर नंबर वन होना, उसके लिए सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं है, उसमें एडिशनल काम भी जो है वो आपको करना है, राइट. सो दिस इज समथिंग विच इज़ टेलिंग अस दैट हाउ आईएमसी कैन एक्चुअली हेल्प अस इन बिकमिंग हु वो वुड लाइक टू बिकम. हम क्या बनना चाहते हैं वो आईएमसी हमें हेल्प कर सकता है. बट नाउ देन द क्वेश्चन इज़ आईएमसी ओनली फॉर प्रमोशंस? क्या आईएमसी सिर्फ प्रमोशंस के लिए है? क्या हम अगर मार्केटिंग की बात करें, क्या आईएमसी हमें पूरी मार्केटिंग के दौरान हेल्प नहीं कर सकती ना? फॉर एग्जांपल, डज समवेयर आईएमसी हैज अ रोल टू प्ले इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इफ आई एम सपोज डूइंग बिजनेस इन दिस कंट्री, आई वांट टू गो टू से मलेशिया, मैं अपना प्रोडक्ट मलेशिया में लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि मलेशियन मार्केट को पहले समझना है. क्या आईएमसी का इसमें भी कोई रोल हो सकता है कि वो मुझे हेल्प करे कि उस मलेशियन मार्केट के कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है? अगर हम कहें कि हाँ, कि एक रोल है, तो इसका मतलब आईएमसी सिर्फ प्रमोशंस तक सीमित नहीं है, राइट. आईएमसी का एक एक्सटेंडेड रोल है. एंड आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू द डिस्कशन दैट वी हैव हैड इन कंज्यूमर बिहेवियर. जो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने डिस्कशन किया था, अगर आपको ध्यान है तो वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई रोट ऑन वन ऑफ द स्लाइड्स ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पीपल थिंक दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ जस्ट वन रोल टू प्ले और वो है कम्युनिकेशन, बट एडवर्टाइजिंग हैज़ एन एक्सटेंडेड विजन, एन एक्सटेंडेड रोल टू प्ले. डू यू रिकॉल जब हम कल्चर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एडवर्टाइजिंग शेप्स कल्चर, वो कल्चर को भी शेप करता है, वो बदलता है, वो हमें सिखाता है 10 चीज़ें 20 चीज़ें, तो उनका रोल है. और उन्हीं चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अगर आप मार्केटिंग प्रोसेस की बात करें तो ये मेजर स्टेप्स जो हैं वो आप मार्केटिंग प्रोसेस के देख सकते हैं. मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, अंडरस्टैंड करना आपकी मार्केट को, कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना, और ये देखना कि क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी में कंपटीशन हमारा कितना होगा, उस कंपटीशन को समझना, और फिर उस कंपटीशन के समझने के बाद टारगेट जो है अपना करना. और टारगेटिंग के दौरान हम पता है हमें क्या करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट एसटीपी. एसटीपी मींस सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, वी हैव डन इट इन मार्केटिंग. तो जब टारगेटिंग की बात करें तो हमें पता है कि हम मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेगमेंट करते हैं, एक मार्केट को सेलेक्ट करते हैं और उसे टारगेट करते हैं पोजिशनिंग के यूज़ के साथ. उसके बाद हम उस मार्केट के लिए मार्केटिंग प्लान या प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स प्राइसिंग जो है, किस तरह का चैनल इस मार्केट के लिए ठीक रहेगा, वो हम लोग जो है डिसाइड करते हैं. एंड देन वी डू प्रमोशन टू द फाइनल बायर एंड देन द कंज्यूमर परचेज इट. सो एक ओवरऑल जो मार्केटिंग का एक जो है जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है. येस, वी डू एक्सेप्ट इट दैट देर आर सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो विच अ मार्केटर टिपिकली डू जब वो एक मार्केटिंग करता है. बट ब्रॉडली जो है मार्केटिंग को इन जो है 5 स्टेप्स में आपका डिसाइड या डिवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की गई. सो नाउ लेट अस डू ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन एंड लेट अस सी व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमसी इन दीज स्टेप्स. तो पहले स्टेप से हम जो है यहाँ बात करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है जी. मार्केटिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, इसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं. नाउ इफ यू विल टॉक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, यू विल सी दैट ये काम जो है हम इसके अंदर करते हैं जब एक शुरुआती दौर में हम मार्केटिंग या कोई भी काम करने का सोच रहे होते हैं. सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस हमें पता है क्या होता है कि कंडीशन क्या है मार्केट का, राइट. वो जानना बहुत ज़रूरी है. क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या मेरे लिए कोई स्कोप है? क्या कोई ऐसी डिमांड है जो अभी भी अनफुलफिल्ड है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं जो मैं इनको ऑफर कर सकता हूँ? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. तो कंपटीशन इस मार्केट के अंदर कितना है, ये सारी चीज़ें. और इन सभी चीज़ों की जब हम बात करें तो ये लाइन, इसका जो है मैं जिक्र कर रहा था कि स्कोप एडवर्टाइजिंग का जो है ना वो लिमिटेड नहीं है प्रोडक्ट तक, उसका एक एक्सटेंडेड मिशन है. एंड
when we are trying to do situation analysis, opportunity analysis or trying to understand the market, तो उस केस में आपका जो IMC है वो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है उस मार्केट को समझने में। जैसे कंटेंट एनालिसिस की हम बात पहले से कर चुके हैं। कंटेंट एनालिसिस आपका क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस? एडवर्टाइजिंग, अगर किसी भी देश को समझना है तो या किसी भी मार्केट को समझना है तो हम क्या कहते हैं कि उस मार्केट के अंदर जो एड्स हैं उनको देख लो आप, वो बता देंगे कि ये मार्केट कैसी है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, हमने इस पर डिस्कशन किया था। हमारे देश की एड्स आप देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की एड्स आप देख लीजिए, हमारे यहाँ फिल्में जो लोग पसंद करते हैं वो देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्री में जो फिल्में पसंद करते हैं वो देख लीजिए, एक आइडिया हमें दे देगा। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ IMC ओनली, दिस इज़ हेल्पिंग अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द मार्केट। ठीक है ना जी, ये हमें हेल्प करता है एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए मार्केट को। तो द कम्युनिकेशन फॉर दैट मैटर एंड IMC हैज़ अ रोल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर भी, और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करने के लिए भी हम जो है ना आपका प्रमोशंस का सहारा ले सकते हैं, लोगों से पूछा जा सकता है। सो IMC हैज़ अ रोल, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ जस्ट यू नो फिक्स्ड फॉर प्रमोशंस, प्रमोशंस के लिए ही आपका सिर्फ फिक्स नहीं है। अगर टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें ये सारे काम जो है हम करते हैं, तो इनकी बात कर लें। आइडेंटिफाइंग मार्केट्स, मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केट सेगमेंटेशन की बात करना, सेलेक्ट करना, पोजिशन करना। अब पोजिशनिंग IMC के बिना हम कैसे करें? ठीक है ना जी, पोजिशनिंग के लिए तो IMC की ज़रूरत है ही है, और आज ये लग्जरी नहीं है कि पोजिशन करने के लिए आप IMC का यूज़ करोगे, आज तो ये नेसेसिटी है। गोन आर द डेज व्हेन पीपल वुड बर्न 100% ऑफ देयर कम्युनिकेशन बजट ओनली ऑन टू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया। आज छोटे से छोटे जो आपके कंपनीज हैं वो भी अपने पैसे को डिवाइड करने की जो है कोशिश करती हैं, और पैसा डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, एक मीडिया पे नहीं, अलग अलग मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न भी, रेडियो भी होना चाहिए, है आपका आउटडोर भी होना चाहिए, OOH भी होना चाहिए। OOH क्या होता है? आउट ऑफ होम। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी जो है आपकी बात बनेगी। तो पोजिशनिंग इज़ नॉट, बिकॉज कंज्यूमर इज ऑल्सो बिकम स्मार्ट टुडे, वो भी आपका स्मार्ट हो गया है, तो वो ही इज नॉट गोइंग टू बिलीव इट अनलेस ही इज एक्चुअली बम्बार्डेड विद दैट मैसेज टाइम एंड अगेन, एंड इन एडिशन टू दैट ही शुड ऑल्सो बी हैविंग अ रीजन टू बिलीव ऑन टू वट यू आर टॉकिंग एज अ एक्सपीरियंस ऑफ इज यूजिंग द प्रोडक्ट। जो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट को यूज करें, वो दोनों चीज़ें मैच करें, तो जो है ना पोजिशनिंग आपके ब्रांड की जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट एक्चुअली इज द पाथ ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट इन टू अ ब्रांड, राइट। ब्रांड इक्विटी की हम बात कर रहे थे, ब्रांड इक्विटी किसे कहते हैं? ब्रांड इक्विटी क्या होती है? कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, वी हैव डिस्कस्ड इट, ओके। जस्ट टू मेक दिस थिंग यू नो री रन थ्रू योर ब्रेन्स, ब्रांड इक्विटी कहते हैं द पॉजिटिविटी और द पॉजिटिव फीलिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड अबाउट ब्रांड व्हेन यू थिंक अबाउट इट। जो ब्रांड का नॉलेज, ब्रांड के बारे में जानना, ब्रांड मैंने आपको बोला कोई, और उस बोलने से जो उस ब्रांड के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में है, वो ब्रांड इक्विटी है। तो वो आपका जो है IMC जो है के थ्रू ही आपका आता है इन अ बेटर सेंस। सो IMC हैज़ अ रोल टू प्ले इन टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस ऑल्सो। वी नो लाइफ स्टाइल, लाइक, नॉलेज, ये सारे की सारी चीज़ें जो पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं, या जिनके बेस के ऊपर पोजिशनिंग कर सकते हैं, या जिनके बेस के ऊपर आप सेगमेंट भी कर सकते हैं मार्केट को, ये सारे का सारा आपका किसके थ्रू किया जाता है? कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। एंड यू वुड रिमेंबर द अर्स्टवाइल डिबेट दैट वी हैव डन मे बी, और द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर व्हेन यू वर इन फर्स्ट सेमेस्टर, कि क्या कंज्यूमर किंग है? हैं, क्या है कंज्यूमर किंग? ध्यान है आपको, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। और आप ये रोल देखें कम्युनिकेशन का कितना बड़ा है, कि जो कम्युनिकेट कर कहा गया वो ही कंज्यूमर के लिए ट्रू है, बाकी जो उनको नहीं कहा गया वो उनके लिए ट्रू नहीं है। तो हम आर्ग्यू कर रहे थे कि अगर इन चीज़ों को देखें तो कंज्यूमर को किंग कहना इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट वुड बी लाइक एग्जेजरेटिंग द थिंग्स, वो एग्जेजरेट करना होगा चीज़ों को, असल सेंस में तो नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आप तय करते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें करना है। जब प्रोडक्ट डिसीजंस की भी बात करें, वो भी आप तय करें कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, वो किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कंज्यूमर के सामने, और वो आपका इसी चीज़ को लेकर आपका जो है ना किया जाता है, राइट। आजकल इंटरनेट मार्केटिंग भी जो है वो इसका
हिस्सा बन गया है। पहले आईएमसी में क्या क्या होता था? एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, और अब क्या आ गया? इंटरनेट मार्केटिंग भी इसके अंदर आपका ऐड हो गया। उसके बाद ये जैसे हम एमिरेट्स की बात करते हैं, कोज रिलेटेड मार्केटिंग, और ये जो है वो आपके साइड बाय साइड आपके ऑब्वियसली चलते हैं। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पोजिशनिंग एंड द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, ये US की बियर मार्केट की अलग अलग यू नो सेगमेंट्स हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन एक बियर जैसे प्रोडक्ट की इतनी सारी सेगमेंट्स हो सकती हैं। आप ये देखिए, इम्पोर्टेड बियर्स, देर आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू हैव इट। डोमेस्टिक स्पेशलिटीज हैं, सुपर प्रीमियम, प्रीमियम रेगुलर, लाइट बियर, आइस, मॉल्ट अल्टरनेटिव, मॉल्ट लिकर, पॉपुलर रेगुलर, ऑल अदर्स। ऑल अदर्स में भी काफ़ी होंगी, तभी ऑल अदर्स लिखा है, नहीं तो ऑल अदर होता, या फिर उसका नाम लिख देते एक ही होता। तो ये अपने आप से भगवान ने नहीं भेजी बना के कि जा इतनी तेरी जो है ना तरीके की, मैं छोड़ दिया धरती पे इतनी तरीके की बियर है, नहीं। ये मार्केटर ने जो सेगमेंटेशन भी जो जनरेट करी, वो भी लोगों को सिखा कर, कम्युनिकेट कर आपका जो है वो किया है, तो सेगमेंटेशन भी वो जनरेट कर पा रहे हैं। नाउ व्हेन दे आर एबल टू मेक द पीपल लर्न अबाउट यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आई होप यू वुड रिकॉल दिस यू नो अपडेटेड और लेटेस्ट एड ऑफ विने कॉस्मेटिक्स का जो आया है ना परफ्यूम, ये है प्लेन ब्लैक शर्ट, है ना, इस पे आप ये लगाओ और ये बन जाएगी स्पेशल शर्ट। क्या कर रहा है वो, टेंशन कर रहा है आपके दिमाग में? वाइट शर्ट खरीद ली तो बात ही नहीं बनेगी, इसके ऊपर करना है। उसने क्या कर दिया, वो एक और सेगमेंट क्रिएट कर रहा है। सेगमेंट क्या क्रिएट कर रहा है कि लोग जो हैं, जैसे ईट पॉपकॉर्न ड्रिंक कोका कोला, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में वियर शर्ट स्प्रे परफ्यूम, शर्ट को परफ्यूम के बिना पहनेंगे ही नहीं। हो सकता है आगे आने वाले समय में जो कॉन्शियस हैं, जैसे दीपक राइट, बड़े ध्यान रखना पड़ता है अपना, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज यू आर ओनर ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर इमेज, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपका जो कम्युनिकेशन है एक रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। मुझे लगता है कि आपको ये याद होंगी ये चीज़ें, मारुति ओमनी की कहानी, विक्स की स्टोरी, और रीपोजिशनिंग और पोजिशनिंग, ये सारे के सारे आपके जो हैं इस सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के टाइम पे हम इनकी बात करते हैं। पोजिशनिंग के टाइम पे ये तो हो ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट कि ये नहीं है, ये बात ये है, ये हो ही नहीं सकते। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे नहीं हो सकता। तो IMC हैज़ अ रोल राइट, सेगमेंटेशन, सेगमेंट क्रिएट करने के अंदर, ठीक है जी। कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जहन में ही नहीं थी, लेकिन अब जहन में आ गई, ठीक है। क्यों आ गई? क्योंकि हमें सिखा दिया गया, बता दिया गया। तो सेगमेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड यूजिंग IMC राइट। एंड दिस इज अबाउट MTV की वेबसाइट है, अगर आप उसको जाकर देखेंगे तो कुछ ऐसी नज़र आती है ना। एंड इसके ऊपर आप ये देखिए, कहीं पर म्यूजिक वगैरह, इस पे शोज देखिए कौन कौन से यहाँ पर दिखा रखे हैं उसने, निक्की एंड सारा लाइव, कैटफिश, टीन मॉम 3, आज क्या आएगा, ये शो का नाम नहीं है ये, आज क्या आएगा, बट्स ऑन टुनाइट, ठीक है। एक और स्नैपशॉट लें तो इस तरह का आपकी इनकी वेबसाइट का दिखता है। पहले ही म्यूजिक टेलीविजन हुआ करते थे, पहले म्यूजिक के अलग अलग चैनल्स हुआ करते थे। इसने अभी अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना MTV अपने आप को, कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है ये अपने आप को अभी, यूथ अल्ट्रा मॉडर्न एंड नॉट अ म्यूजिक चैनल, ठीक है ना, रियलिटी शोज, लाइव शोज, एनर्जेटिक, एडवेंचरस, इसकी भी एक मार्केट है बड़ी। स्प्लिट्स विला देखते होंगे लोग, कितने देखते हो, नहीं देखते? रोडीज, MTV रोडीज हैं, किसी ने ट्राई भी किया है? नहीं ट्राई किया। ये हो क्या रहा है, ये एक अलग से जो है ना एक मार्केट डेवलप कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन से हो रहा है। MTV ने रिपोजिशन अपने आप को के कम्युनिकेशन की वजह से नहीं हो सकता, एक अलग से मार्केट ही क्रिएट कर दी। नाउ यू नो व्हाट, इफ यू वुड लुक एंड एनालाइज द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री और उनके TRPs देखिए आप,
दो ही तरह के प्रोग्राम्स के टीआरपीज आपके आ रहे हैं, एक तो डेली मोमेंट पॉप शॉप्स, सास भी कभी बहुत ही टाइप, ससुराल सिमर का है ना, और वो दो चार जो हैं इस तरह के इनकी टीआरपीज आती हैं। वो उनकी क्यों आती हैं कि लोग घर बैठते हैं और घर बैठ के कुछ तो देखें, ठीक है, तो वो देखे जाते हैं प्रोग्राम। दूसरा जो आपका चल रहा है रियलिटी टेलीविज़न, ठीक है, चाहे वो सुपर डांसर्स हो, चाहे वो आपका बिग बॉस अभी अभी ख़त्म हुआ, आपने जिता दिया शिंदे को, शिल्पा शिंदे किया था वोट, नहीं किया, वो एक अलग मुद्दा है उसमें कितनी रियलिटी होती है, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन कि उसमें, बट वट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसमें रियलिटी का क्या कंसेप्ट है, वी विल ट्राई टू डिस्कस एंड फिगर इट आउट, बट वट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज यू डू नॉट रियलाइज इट बट देर इज समथिंग हैपनिंग अंडर द कारपेट, जो नीचे नीचे ना कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अब आप जो है ना इंटरनली डिमांड करने लगे हैं कि रियलिटी शोज मुझे चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपको सुपर डांसर्स अच्छा लगता है, आपको बिग बॉस अच्छा लगता है, आप यही इसी मार्केट को, इसी भारतीय व्यूअर्स को आप 6-7 साल या 10 साल पहले ले जाकर देखें, वो डिमांड ही नहीं करता था रियलिटी शोज की। जैसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ स्टार पे, वो बस हुआ, उसके बाद जो रियलिटी शोज जो थे, आपका इंडियाज़ गोट टैलेंट आ गया, आपका लाफ्टर चैलेंज आ गया, आपका कपिल शर्मा शो आ गया, आपका सुपर डांसर्स आ गया, आपका बिग बॉस आ गया, आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा आपके टेलीविजन का रियलिटी शोज पे जा रहा है। दिस इज द चेंज दैट यू आर विटनेसिंग, ठीक है ना। अब ये जो चेंज है ये मार्केटर ही हमें करवा रहा है, वही आपसे नहीं है, जैसे कि हम जब छोटे थे ना, तो अगर 10 साल पीछे की बात करें तो तब हमने डिमांड करी थी कि हम हॉलीवुड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे सीडी वगैरह की बात करें तो वो फिल्म देख देख के हम आए, तब ये ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कहीं लगा है कि यार अब जो ऑडियंस है वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं तो हमें इस जगह जाना चाहिए। जैसे कि बाहर की मूवी आती है वो भी हमारे यहाँ अच्छा बिजनेस कर जाती है, अभी कुछ मूवी का नाम उसके साथ ये भी नहीं कि कस्टमर, जैसे कि भाई वो चीज बाहर चल रही है, जैसे इंटरनेट आया तो उसके साथ साथ ये भी चीजें आ गई, और उससे कहीं जो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको इस चीज ने इन्फ्लुएंस किया कि नहीं अभी ये जो हमारे व्यूअर है ये इस चीज को देखना चाहते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो व्यूअर है उनने उनका ध्यान खींचा है कि आप बढ़ाओ, हम ऐसी डिमांड करते हैं। देखिए व्यूअर्स ने ध्यान कब खींचा, अगर आप 1990 से पहले की बात करें तो कोई व्यूअर उस तरफ ध्यान नहीं खींचता था। जब 90s आए आपके, उस समय होता था दूरदर्शन, डीडी मेट्रो, डीडी इंडिया, ठीक है ना, ये चैनल्स होते थे, यानी कि स्टेट वाज यू नो कंट्रोलिंग द व्यूअर्स ऑफ द एंटायर कंट्री। उसके बाद जब प्राइवेटाइज हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, तो सैटेलाइट टेलीविज़न आया आपके पास, और जब सैटेलाइट टेलीविज़न आया तो क्या हुआ, आपका एक्सपोजर बढ़ा है। अब आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी देख रहे हैं, पहले देखते थे जितेंद्र को घुटनों तक के जूतों में सफ़ेद जूते पहन के पेड़ के बाहर गाना गा के, है ना, उसके बाद एकदम से आपको शौक लगा जब आर्नोल्ड ने एक मुक्का मारा किसी को, आपको लगा ये भी तो चीज़ है दुनिया में, ठीक है ना। उसके बाद फिर बॉलीवुड वाले भी मतलब स्टोरी इंडियन, सब कुछ इंडियन, शूटिंग हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, हैं आर्कटिक में, हैं आपके यूरोप में, मॉरिशियस में, आप वो देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना जी। वो मूवी बना रहे हैं बाहर, पहले तो अलाउड ही नहीं था, 90 के बाद अब अलाउड हो गया, ओपन मार्केट हो गई, तो जो वहाँ मूवी बन रही है स्पीसीज 3, उसका प्रमोशन यहाँ भी हो रहा है, और जब प्रमोशन हो रहा है यू आर बीइंग एक्सपोज्ड, आप एक्सपोज्ड हो रहे हो तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो एक कहानी है, एक ना कुएं का मेंढक था, ठीक है, और एक समुंदर था, ठीक है जी। तो क्या हुआ, वो कुआ जो है ना समुंदर के पास था, एक बड़ी सी लहर आई, ठीक है, तो उस लहर से वो समुंदर वाला मेंढक लहर के साथ आके कुएं में गिर गया, तो कुएं में भी एक मेंढक बैठा था, तो कुएं वाला मेंढक देखा ये तो कोई आ गया आज बाहर से आदमी, यहाँ का तो नहीं है, तो वो समुंदर वाला देख के ये कहे कि ये कहाँ आ गया, ख़त्म हो गया शुरू होने से पहले। तो वो कहता है कुएं वाला मेंढक, ना कुएं वाला मेंढक को कहता है कि ये इतना छोटी सी जगह में कैसे रहते हो तुम, बोला छोटी सी कैसे है, बोला कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, बोला कैसे बड़ा है, बोला बहुत ही बड़ा है वो,
तो जो कुएं वाला मेंढक ना कूदता है 1 फुट की दूरी पे, कह रहा इतना बड़ा है, तो बोला इससे भी बड़ा है, 2 फुट कूदता है, इतना बड़ा है जी इससे भी बड़ा है, 3 फुट कूदता है जी इससे ही बड़ा है, बोला इससे ही बड़ा है। तो वो क्या करता है, कुएं की इस दीवार से उस दीवार तक कूद जाता है, बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैक्सिमम बड़ा होता है, दुनिया इससे बड़ी होती नहीं, तू झूठ बोल रहा है, अब इससे बड़ा घर नहीं हो सकता तेरा। वो क्यों कह रहा था वो कुएं का मेंढक, उसे पता ही नहीं है। तो सर आप पहले डिमांड क्यों नहीं कर रहे थे, और वो बाहर समुद्र वाला तो हंस रहा होगा कि ये कह रहा है इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। होती हैं चीज़ें, तो हमें पहले पता नहीं था उन चीज़ों का, जो ये एक्सपोजर जो हमारा हुआ है, जो ये सैटेलाइट टेलीविजन बोल लीजिए या बाहर वाले लोगों की रीच हम तक बोल लीजिए, इनसे काफ़ी कुछ बदला है। और देखो बात क्या है कि इट इज़ ऑल अबाउट अपर मोबिलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर लाइफ ईजी एंड फन फील्ड। और जो डेवलपमेंट की बात है, हमें डेवलपिंग नेशन बोला जाता है, वो डेवलप्ड नेशन है, और वो डेवलप्ड नेशन है इसका मतलब वो है कि वो चीज़ें जो नेचुरली किसी को भी पसंद आएंगी, लग्जरी आपको पसंद नहीं आएगी क्या, आपको एक BMW दे दे जाए एकदम से, एक पंखा डालने के लिए एक आदमी खड़ा हो साथ में है, आप नीचे पैर रखें तो लाल कारपेट बिछा हुआ है, जैसे आप रास्ते से चल रहे हैं तो दोनों तरफ जो है ऐसे पानी का गिलास शरबत जूस लेके खड़े, किसे अच्छा नहीं लगता। तो ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो ये नेचुरल है, इट इज़ नॉट कि विकास को ये पसंद आएगा, मुझे पसंद आएगा, किसी को भी पसंद आएगा, दिस इज बट नेचुरल। और क्योंकि ये नेचुरली आपको पसंद है ये चीज़ें, तो उस वजह से क्या हुआ, या कुछ नेचुरली पसंद है, कुछ आपको पसंद करवा दी गई हैं, जब ये चीज़ें हैं तो इनके लिए सोल्यूशन ढूंढा गया, और वो सोल्यूशन वहाँ पहले ढूंढा गया डेवलप्ड नेशंस में, और वो वहाँ ढूंढा गया, अब आप उसको एक्सपोज हो रहे हो, तो नेचुरली यू आर ऑल्सो इंक्लाइंड टू इट कि मुझे हॉलीवुड भी देखना है, मुझे बॉलीवुड भी देखना है, मुझे टॉलीवुड भी देखना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। तो ये जो एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप कुछ और भी कह रहे थे। यू नो वट, यू लुक एट इंडियन टेलीविजन एंड यू ट्राई टू फिगर आउट विच रियलिटी शोज इन इंडिया आर ओरिजिनेटेड इन योर कंट्री, ठीक है जी, कौन सा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। आप अमेरिकाज गोट टैलेंट के बाद आपने इंडियाज गोट टैलेंट शुरू किया, अमेरिकन आइडल के बाद आपने इंडियन आइडल शुरू किया, ठीक है ना जी, लाफ्टर वो कितने दिनों से वहाँ पर चल रहा है वो आपने यहाँ शुरू कर दिया, ठीक है ना, आपका चाहे सिंगिंग का है, डांसिंग का है, जितने भी हैं सारे हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहुबली कितनी चल गई, क्यों चल गई, क्योंकि पहली बार जो एक हॉलीवुड का टच थोड़ा बहुत लोगों को देखने को मिला, अदरवाइज तो सलमान खान ने एक हाथ उठा ना, पहले एक आदमी उड़ा करता था, अब वो आदमी हो गए 3, उसके साथ एक जीप भी उड़ रही है, अनरिलेटेड चीज़ें जो है वो आपके यहाँ पर हमें पसंद भी आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा कनेक्टेडनेस, क्योंकि हमें एक्सपोजर थोड़ा सा हो गया अब, राइट। इंग्लिश मूवीज़ में गाने ही नहीं होते कईयों में, तो पूरी पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है, हाँ हाँ, और हम क्या है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो फिल्में और गाना, पुरानी पुरानी फिल्मों में तो जितेंद्र 10-10 भी सुना जाता था, ठीक है ना, तो 2.5 घंटे की मूवी के अंदर 10x5, पहले गाने ही बड़े होते थे, आजकल आहू 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 नहीं, जिसमें कि बस 2 अंतरे हैं, वो जितेंद्र तो 5 गाता था भाई, और 5 मिनट का एक गाना, 10 गाने मतलब 50 मिनट, 50 मिनट का मतलब 1 घंटे के तो गाने हैं 2.5 घंटे की फिल्म में, ठीक है ना, बाकी में वो पेड़ के आर बार और धड़ाक, बाकी कोई स्टोरी नहीं थी हमारे पास। अब लेकिन हमारी चीज़ें बदल रही हैं, और बदल एक्सपोजर से रही हैं, और एक्सपोजर हमारा किस चीज़ के बेस के ऊपर है कि हमें चीज़ें पता चल रही हैं, राइट। और ये सारा कम्युनिकेशन का आपका गेम है, एंड हु इज़ विनिंग एट द एंड ऑफ द डे, यू आर फीलिंग, आई एम फीलिंग दैट यस वी आर एक्चुअली बीइंग गिवन एक्सेस टू लग्जरी इन लाइफ, बट देर इज़ अ कॉस्ट टू इट ऑल्सो, उसकी एक कॉस्ट भी है जो हम पे कर रहे हैं साथ के साथ, और मार्केटर इज़ विनिंग, मार्केटर इसे जीत रहा है, मार्केटर चाहता है आपको और भी चीज़ें पता चलें, मार्केटर चाहता है कि आप भी जो है ना एडिडास BMW मर्सिडीज उसके ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और सिर्फ मर्सिडीज को नहीं और लोगों को भी आपका फ़ायदा होगा इस चीज़ का। सो इट हैज़ चेंज्ड एंड वी नो हाउ इट हैज़ चेंज्ड, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अराउंड इट।
and things are changing with time, and this cannot be done without communications, repositioning, जो वीडियो कौन ने अपनी की है ना, पुराना लोगो चेंज करके वो अपना नया लोगो लेके आए, MTV ने भी अपने आप को रिपोजिशन किया, लुकिंग एट योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, और वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज कैसे बदल रहे हैं इसकी हम अभी अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे। न्यूमरस एग्जाम्पल्स कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को चेंज किया है, एंड विदाउट IMC पोजिशनिंग नो, आई थिंक इट इज नॉट देयर, वो है ही नहीं वहाँ अगर आप इसकी बात ना करें तो। मार्केटिंग प्लानिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोडक्ट डिसीजंस प्राइसिंग डिसीजंस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, ये भी सारे आपके जो हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज एक 2 लाख रुपए की चीज़ आप एक नॉर्मल सी शॉप में नहीं बेच सकते, पीपल आर एक्सपोज्ड, पीपल नो द थिंग्स। प्राइसिंग ऑल्सो, आपने आपको याद है नेम द प्राइस एंड हैव इट मेट, इन मार्केटिंग वी हैव डन इट, यू रिमेंबर दैट, क्या था वो नेम द प्राइस एंड हैव इट मेट, एक कंसेप्ट हमने किया था जब प्राइसिंग की बात की थी। टुडे वी आर सिटिंग इन नीरा वेयर इन कंज्यूमर इज एक्चुअली क्रिएटिंग हिज ओन प्राइस एंड देर आर ऑर्गन वेबसाइट, हाँ संजय को याद है, और उस वेबसाइट में आपका क्या था कि मैं ये कोट कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ इतने में चाहिए, देर इज़ अ यू नो वेबसाइट, यू कैन गो ऑन टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन से दैट आई वुड बी विलिंग टू स्पेंड 200 rupees ऑन दिस प्रोडक्ट बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट एट दिस प्राइस, या आई एम विलिंग टू स्पेंड से 2000 rupees ऑन अ स्पेसिफिक होटल, से जिंजर होटल, वो 2000 में सपोज नहीं देते। अब ये मार्केटर जो है, जो वेबसाइट वाला है, ये क्या करेगा, इसके पास डिमांड आ रही है, इसके पास 50 कस्टमर ऐसे आ गए जो ये कहते हैं कि हाँ 2000 तक मैं भी जिंजर ले लूँगा, इस बल्क ऑर्डर के साथ जिंजर के पास जाएगा, 50 कस्टमर हैं 2000 में दे दो, ठीक है, वो भी सोचेगा हाँ 50 कस्टमर एक साथ आ रहे हैं मेरे पास तो लेट अस डू इट, नेम द प्राइस एंड हैव इट मेट, सो पीपल क्यूमुलेटिवली आर एक्चुअली ऑफरिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड दैट प्राइस इज बीइंग मेट, सो नेम द प्राइस एंड हैव इट मेट, कम्युनिकेशन अगेन, ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट के उससे ही आपका आपका पॉसिबल हो पाया है, राइट। फ्लिपकार्ट, ये क्या कर रहे हैं आपके, ये भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का अपना कुछ नहीं है, अलीबाबा है, अलीबाबा क्या है, IMC के जो एलिमेंट्स हैं वो इनमें एक रोल प्ले आपके कर रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको कल कंटिन्यू इसको करेंगे एंड कल वी विल बी फिनिशिंग इट अप, थैंक यू वेरी मच।